हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी मोडटेक में। आज हम सीखेंगे एंटरप्रेन्योर मोड के बारे में। क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर मोड, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेज, क्या है उसके एडवांटेजेस, क्या है उसके लिमिटेशन, क्या है बेसिकली। ये आप देख सकते हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर मोड है, कनेक्टर है, रजिस्टर नहीं, और इसका मैनिफोल्ड और इसमें नोजल जो है, आपको मैं सेक्शन करके बाद में दिखा रहा हूँ। आगे ये है आपके इनके नोजल और ये है इनका मैनिफोल्ड, ठीक है। ये है नोजल, मशीन का नोजल, वो इंजेक्ट कर रहे हैं मटेरियल। ये मैनिफोल्ड इनको एकदम हॉट करके रखता है, जिसके बाद ये कैविटी में चले जाता है। आजकल ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये प्रोडक्शन फास्ट रहता है इनका और वेस्टेज लेस रहता है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो और इंफॉर्मेशन पाइए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। What is hot runner mold? Actually, the hot runner or runnerless molding process keep the runner hot in order to maintain the plastic in the molten state at all times. Since the hot runner is not removed from the mold, from the molded part, it saves the material and training process. Basically, जो hot runner mold होते हैं, उनमें runner नहीं होता है और जो screw वगैरह भी नहीं निकल के आता है इसमें से। आप ये वीडियो में देख सकते हैं, screw और gate निकल के आ रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ पार्ट्स निकल के आएगा और इसका जो साइकिल टाइम है वो कम है रहेगा, क्योंकि उसमें गेट और स्क्रू वगैरह नहीं है, तो उसको जितनी ज्यादा खुलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, ये अगर दो बार खुलेगा तो ये तीन बार आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ये है आपके टू प्लेट सिंपल कोल्ड रनर और ये है हॉट रनर। दोस्तों, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाउ इजेक्शन टेक प्लेस, ठीक है। ये देखिए, इसका स्क्रू आ रहा है और इसके साथ सिर्फ पार्ट्स और पार्ट्स आता है सिर्फ, और कुछ नहीं आता है, ठीक है, जिसके कारण टाइम और मटेरियल दोनों सेव होते हैं। और अब हम देखते हैं मैनिफोल्ड। ये है दोस्तों, मैनिफोल्ड रहता है जो कि फीड करता है हमारे मटेरियल को। The hot runner system usually included a heated manifold and a number of heated nozzle. ये रहता है nozzle, ठीक है। इसमें दो nozzle दिखाए cavity के साथ, जो कि यहाँ पे inject करेंगे और parts form करेंगे, उसके बाद injection होगा। The main task of the manifold is to distribute the plastic and the mold in various nozzle, which then meter it precisely to the injection point in the cavity में, ठीक है। Clearly यहाँ से आपका मटेरियल आया, मैनिफोल्ड में हीटेड रहता है हमेशा, जितना भी उसमें कैविटी हम सेट करेंगे, इजेक्ट करना है उतना वो इजेक्ट करेगा और हमें फिनिश पार्ट्स मिल जाएगा। इसको हम 3D में भी देखेंगे ये रहा, ठीक है। अभी हम 3D में देखते हैं। दोस्तों, यह है 3D, मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है टॉप प्लेट को, जिससे कि आप देख सकते हैं ये रजिस्टर रिंग है और ये नीचे मैनिफोल्ड है। सेक्शन करके भी आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कैसे काम करता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका सेक्शन, मैंने बीच में से काटा है, मैं आपको नोजल के दिखाता हूँ। ये रहा इसके दो नोजल, देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसका हॉट टिप है, जिससे कि कैविटी में भर जाता है मटेरियल हमारा। ओके, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। दोस्तों, ये विजिबल है आप लोगों को, ये मैंने और सेक्शन कर दिया है इसका। दूसरे आगे वाले भी हॉट टिप मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा दोस्तों। ये देखिए, ये हॉट टिप है इसका, ये कैविटी में जा रहा है डायरेक्ट। ये है इसका मैनिफोल्ड, ठीक है। हमने चार चार कैविटी में चार नोजल लगाए हुए हैं, ये चार, ठीक है। दोस्तों, दूसरे व्यू से भी हम दिखा देते हैं। ये रजिस्टर नहीं गया, ये कनेक्टर है, यहाँ से ये कनेक्टेड है वायरिंग के थ्रू, हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये आपका मैनिफोल्ड है,
नीचे गया, जो नोजल देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये पार्ट है इसका, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। दूसरे व्यू से भी मैं दिखा देता, ये सेक्शन व्यू में देख लीजिए। ये रहा इसका हॉट टिप, ये इस तरफ दो है, ये मेन इसका मैनिफोल्ड, ये मशीन किया हुआ स्पेशली इस मैनिफोल्ड के लिए। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये है आपका 3D मोड। अब हम आगे बढ़ो। दोस्तों ये है एलिमेंट्स ऑफ ऑटोनर, जो जो मेन एलिमेंट्स है उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है नोजल, ये है इसका नोजल। नोजल आर द कंपोनेंट वेयर द रेजिन इज इंजेक्टेड इनटू द कैविटी थ्रू अ गेट। डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन, नोजल आर टिपिकली इंस्टॉल्ड इन द मोल्ड फिट विद विदाउट मैनिफोल्ड। ओके, ये नोजल, इससे हम डायरेक्टली हमारा पार्ट कनेक्टेड होता है, हमें बस इंजेक्ट करना, सेटिंग करना रहता है कि कितना हमें मटेरियल करना है, ये इंजेक्ट करता है। दूसरा है हीटर टेक्नोलॉजी। हीटर टेक्नोलॉजी इज द बेसिक ऑफ ऑल ऑटोनॉमस सिस्टम एंड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द मोल्डिंग क्वालिटी। ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के दोनों टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दूसरा है ये मैनिफोल्ड, ये हमने देखा था मैनिफोल्ड ऑटोनॉमस का। ये एक और बार हम दिखा देते हैं, ये है मैनिफोल्ड जो है, आपको देख सकते हैं ये है मैनिफोल्ड, ठीक है। ये जो मैंने ट्रांसपोर्ट कर रखा है बॉडी, ये है के नीचे जो दिख रहा है वो मैनिफोल्ड ही है। और आपको क्लियर कर देता हूं मैं, ये जो बॉडी है ये मैनिफोल्ड है इसका। अब दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं ये मैनिफोल्ड है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये मैनिफोल्ड है। मैनिफोल्ड एनेबल द फ्लो ऑफ रेजिन इनटू अ डिफरेंट नोजल। हमें कितने नोजल चाहिए, हमें जैसे चार दिखा है, इसमें दो दिए हुए हैं। मैनिफोल्ड आर नॉर्मली यूज वेयर मल्टीपल कैविटी आर देयर, मींस एक से ज्यादा कैविटीज हैं। हमारे इसमें अभी हमें चार लिए हुए हैं, एक दो तीन चार। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। मैनिफोल्ड हीटर टेक्नोलॉजी, लोकेटिंग रिंग, लोकेटिंग तो हम जानते ही हैं कि जो मशीन प्लेटन है और मोल का अलाइनमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इनलेट, इनलेट जो होता है कि वो रेजिन को, ये रेजिन जब हमारे इंजेक्शन मोल से आता है मोल की ओर, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रेजिन एंड द डिजाइन ऑफ द ऑटोनर, द इनलेट कंप्लीटली हीटेड इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द मोल्डिंग प्रोसेस। तो बेसिकली ये जो है एलिमेंट्स ऑफ ऑटोनर है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस। शॉर्ट साइकिल टाइम, इसका जो साइकिल टाइम रहता है वो शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें ओपनिंग ज्यादा नहीं चाहिए और इसमें स्क्रू और डिकेटिंग वाला भी हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो द पार्ट विल बी इजेक्टेड इजीली। ओके, इसमें सॉलिडिफाई भी जल्दी हो जाएगा, इजेक्शन भी जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू कोल्ड रनर मोड। कॉस्ट सेविंग इसमें ये होगी कि आपके साइकिल टाइम बिजी हो गया और आपका स्क्रू और गेट का रॉ मटेरियल बच गया, इस कारण आपके लिए कॉस्ट सेविंग भी हो जाती है। बट इनिशियली कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें मैनिफोल्ड मशीनिंग करना पड़ता है और इसमें हमें HR सिस्टम खरीदना पड़ता है अलग से। तीसरा है हायर क्वालिटी, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ही, हमें कॉस्मेटिक फिनिश मिल जाती है, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल रहता है टेम्परेचर, और इसमें डिफेक्ट्स भी आने के चांसेस कम रहते हैं। सिग्मा और वर्पेल्ड, द हीट कैन बी कंट्रोल यूनिफॉर्मली इन द रनर, मोल्ड एंड प्लास्टिक फ्लो इन द कैविटी सिस्टमेटिकली, द फिनिश पार्ट इज बेटर कॉस्मेटिक फिनिश, लेस सिग्मा एंड लेस वर्पेज। ओके,
और अब हम इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मेनी एडवांस टेक्नोलॉजी आर डेवलप बेस्ड ऑन द ऑटोनॉट, लाइक पेट फ्री फॉर्म में भी यूज करते हैं, मल्टी कलर में भी यूज करते हैं। ओके एंड इट इज स्टैक मोड ऑल्सो। दोस्तों ये है आपका जो मटेरियल हम लोग फीट हम लोग डालते हैं, मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं ये जो टेम्परेचर दिए हुए नोजल के हम लोग को सेट करना पड़ता है। फॉर डिफरेंट मटेरियल वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ टेम्परेचर। ओके दोस्तों कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, जैसे कि हायर कूलिंग कॉस्ट, क्योंकि जब हम लोग इसको लगाएंगे इसका एक कॉस्ट आएगा, और अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना तो हम ये प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो भी हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दूसरा है डिफिकल्ट मशीनिंग प्रोसेस, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ती है, टूलिंग डिज़ाइन में कॉस्ट ज़्यादा आएगा और इसकी मशीनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन एंड रिपेरेशन, क्योंकि जब हम इसको कुछ खराबी आती है तो बहुत ही स्किल्ड वर्कर ही चाहिए इसको निकालने के लिए, लगाने के लिए और इसकी रेक्टिफिकेशन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम। जो इसकी सेटिंग टाइम है जनरली हाई रहती है, क्योंकि हमें सिर्फ कंट्रोलर और सेट करने पड़ते हैं टाइम, अलग अलग लोगों के अलग अलग सेटिंग करना पड़ता है, इसलिए इसका सेटिंग टाइम जनरली ज़्यादा रहता है टू टू नॉर्मल कोल्ड रनर। पॉलीमर लीकिंग की भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हीट रहता है, और कलर चेंजिंग के लिए भी हमें बहुत मुश्किल पड़ती है इसमें, क्योंकि पूरा मटेरियल हमें इजेक्ट करना पड़ता है, इसमें ग्रेड चेंज करने के लिए प्रॉब्लम जाती है। और अगर हम हॉट रनर यूज करते हैं, मैनिफोल्ड लगाते हैं, तो इसकी मशीनिंग और साइज इंक्रीज हो जाता है मोल्ड का। ठीक है, तो ये है सारे दोस्तों हमारे हॉट रनर के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा लगा होगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए, आइए, थैंक यू।